ओम शांति। आज संडे, बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली की रिवाइज डेट है 31/12/87। मुरली का हेडिंग है नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाप तीन संगम देख रहे हैं, तीन संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है यह युग संगम, तीसरा है आज वर्ष का संगम। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे, विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुँचे हुए बच्चों को देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। डबल हीरो बने हो, एक तो बाप के अमूल्य रतन हो, हीरो डायमंड हो, दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। इसीलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो, जो हर सेकंड और संकल्प में बाप का तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल की खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपकी खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बधाई देना ये खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते तो वे खुशी की बधाई है, दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना यही दिल की मुबारक व बधाई है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हरेक को खुशी दो व कांटा दे। आप बदले में रूहानी गुलाब दो व दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ, अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारकें
देते रहो, ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन या कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो यह कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। कहना भले दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ दो दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वह आत्मा दिल की मुबारक ले खुश हो जाए। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना, सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना या खिलाना। कल के दिन मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना। सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है, लेकिन ये दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो। इसमें बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है, वह बाबा कहने से मुख मीठा होता है क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो, आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे, हद की खुशी का नहीं। हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करे। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो न बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और न ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे, वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में उतरेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं, लेकिन साथ आएंगे भी। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 88 है। 88 मतलब 88। 8 का कितना महत्व है, अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्ट भुजाधारी अष्ट शक्तियां उसी की ही यादगार है। अष्ट रतन अष्ट राजधानियां अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है, इसीलिए यह वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार हैं 84 जन्म लेने वाली
आत्मा है, पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है, पुरानी दुनिया के पुराने संस्कारों के पुराने हिसाब किताब के संगठन में चलने और चलाने इन सब बातों के अनुभवी है। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो, कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो, इतनी अकल तो है ना, सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। निराकार बाप परमधाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना, इसीलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा, फिर कल्प रिपीट होगा। इसीलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है, शुद्ध बंधन है, लेकिन पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है, नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है, नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है, नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे, अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है, नहीं तो बाराती बनेंगे और नज़दीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे, कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं होना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक न्यारी होगी। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर है, एक जन्म का भी फर्क पड़ जाएगा, इसको भी साथ नहीं कहेंगे। कोई भी नई चीज़ एक बार भी यूज़ कर लो तो उसको यूज़ किया हुआ कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का रॉयल फैमिली बन करना है, साथ में पहले जन्म का राज्य रॉयल फैमिली बन करना है, इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है, समान बनना है या बाराती बनना है? बाप दादा अज्ञानियों और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था, एक दृश्य के रूप में देख रहा था, बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या है, आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई हैं। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज या जहाँ भी आग जलती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं ना, उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकारी वश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकलता रहता है, आँखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता, और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तेपन से दुआएं निकलती हैं। उसका है विकारों की आग का धुआं
और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती, कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। सदा दुआएं निकले तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो ये दृश्य सामने लाना मैं क्या बन गया, आदि आग का धुआं है। बाबा कहते चेक करो, जब ऐसा दृश्य है कि मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया, व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, वह जलती हुई आग का धुआं है, वह आदि आग का धुआं है। पूरी आग नहीं जलती है तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा दुआएं निकलती रहें, इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तो अभी यह है पाठ बचाओ, अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। जो देखा जो सुना वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं, व्यर्थ को न सोचना न देखना। ये है अपने ऊपर कृपा करना, और जिसने किया वह कहा भावना शुभ कामना की कृपा करो। बाबा ने कहा व्यर्थ को ना तो सोचना है ना देखना है, यह है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने व्यर्थ बोला सोचा तो उसके प्रति भी बाबा कह रहे सदा रहम करो, कृपा करो। जो व्यर्थ सुना देखा उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं या कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन से, बाबा कहते हैं लेकिन मन पर नहीं रखना। ये है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई या सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, यह वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता या सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रखता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक माला बन जाती है तो जो करने वाला होता है वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैला, व्यर्थ। ये धुआं फैलाना, ये दुआ हुई या धुआं, इसीलिए व्यर्थ देखते हुए सुनते हुए सिने से शुभ भावना से समालो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुके। रुकने चाहते हो, रुकना भी हो तो बाप समान बन कर के रुको, ऐसे ही नहीं रुको लेकिन समान बन कर के रुको, फिर भले रुको, छुट्टी है। आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है या ड्रामा रुकाता है वह और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो। कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं, कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ स्पष्ट होना चाहिए। समझा? अच्छा, फिर बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात की। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं
अनुभव करते हो श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल व हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है, तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना। जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है, तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा ना। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है, तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हो ही विशेष आत्माएं ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए, तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन शोज फादर, तो ऐसे हो आप सबके दिल में कौन समाया है। जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो ना, गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो, तो ये अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप की दिल पर सदा रहता है वह सदा ही जो बोलेगा जो करेगा वो स्वतः ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना, सिर्फ डॉट यानी बिंदी याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। कितना अच्छा बाबा ने कहा कि डॉट को याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी, डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता। कितना सहज है डॉट बनाना वे डॉट लगाना, सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो बस। छोटा बच्चा भी लिखना जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता, डॉट बनेगा ना। तो यह भी बच्चों का खेल है, यह पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं दिया है इसीलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो सहज राजयोग, तो ऐसा सहज अनुभव करना इसे ही ज्ञान कहा जाता है। जो नॉलेजफुल हैं वे स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती हैं। तो ये सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना, ऐसे ही सहज योगी रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नववर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक, सदा साथ रहे सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को बाप समान बनने की मुबारक, साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। अच्छा, आज बाबा का वरदान है संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रतन भव। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रतन भव। कभी भी पहले यह संशय का संकल्प उत्पन्न ना हो कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है, इसीलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है,
ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रतन बन जाएंगे। इसीलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। अच्छा, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो बाबा के हम सभी बच्चे साय 6:30 से 7:30 बजे तक अपने पूर्वज स्थिति में, पूर्वज स्वरूप में स्थित होकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ तपस्वी मूरत बन पूरे वृक्ष को सर्वशक्तियों की सकाश देने की सेवा करें। वैसे भी वर्तमान समय पूरे वृक्ष यानी पूरी दुनिया का हाल बहुत खराब है, तो हम पूर्वज आत्माएं पूरे विश्व को सकाश दें, तो शाम को 6:30 से 7:30। अच्छा, ओम शांति।